वीडियो देखने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर छूट न जाए। तो मैं हूं मीर और आपका मातिन क्रिकेट पर मैं बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एक और क्रिकेट न्यूज़ वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज हम इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सीरीज से जुड़े एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, साथ साथ हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से भी जुड़े न्यूज़ है, तो जानने के लिए जरूर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि कल के क्रिकेट के एपिसोड में मैंने आपको बता दिया था कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के ऊपर से फिलहाल के लिए बीसीसीआई ने बैन हटा लिया है, लेकिन उनके ऊपर अभी भी केस चलेगा और केस के कुछ डिसीजन आने के बाद ही उनके ऊपर फिर से चार्ज लिया जाएगा। लेकिन उनके ऊपर से अभी बैन हटा लिया गया है और उनको नेशनल टीम में खेलने का मौका दिया गया है। और दोस्तों साथ साथ ये न्यूज़ भी आ चुका है कि हार्दिक पांड्या अब न्यूजीलैंड जाकर वहां पर बाकी बचा हुआ मैच खेलेगा। जो सीरीज अभी न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है 5 ODI और 3 T20, जहां पर 1 ODI हो गया है और बाकी जो ODI होगा वहां पर हार्दिक पांड्या पार्टिसिपेट करेगा। और अगर केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल टीम इंडिया ए को ज्वाइन करेगा, जो इंग्लैंड लायंस के साथ अभी सीरीज खेल रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के ऊपर अब बैन हटते ही इन दोनों को टीम इंडिया में सिलेक्ट कर लिया है। एक तो न्यूजीलैंड जा रहा है हार्दिक पांड्या और दूसरा टीम ए को ज्वाइन करेगा। तो चलिए दोस्तों इन दोनों के बारे में अगर आगे कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। इंडियन क्रिकेट से जुड़े मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।